अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट चिकन पॉपकॉर्न। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम चिकन को मसाला लगाएंगे। ये मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन ली हूँ और उसके छोटे पीसेस कर दी हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, पाव चम्मच मिर्ची पाउडर और इसमें डालेंगे आधा चम्मच नींबू का रस, आप चाहे तो सिरका भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच सोया सॉस। अब डालेंगे आधा चम्मच रेड चिल्ली सॉस, नमक स्वाद के हिसाब से। अब इन सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। देखिए आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए हम एक प्लेट में 4 चम्मच मैदे का आटा लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्ची ताकि चिकन के जो ऊपर का मसाला है उसमें भी अच्छा टेस्ट आए, और थोड़ा सा नमक। अब इन सारी चीज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए सारी चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है। सबसे पहले हम चिकन को लेंगे और आटे में डुबा देंगे और इसके चारों तरफ हम आटा लगाएंगे। देखिए चिकन में अच्छे से आटा लग चुका है। अब हम इसको पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से आटा अच्छा पकड़ता है। अभी हम इसको पानी में से निकाल देंगे और फिर दोबारा से हम आटा लगाएंगे। आटा हमें अच्छे से लगाना है। देखिए आटा अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम सारे चिकन को आटा लगा देंगे। देखिए सारे चिकन में आटा लगाकर हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गरम होने के लिए रख दी हूँ। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो हम अभी हल्का सा लाल होने तक के फ्राई करेंगे। देखिए लाल हो चुके हैं चिकन, अभी हम इसको निकाल देंगे। माशाल्लाह चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना चिकन पॉपकॉर्न कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।